नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। कैसे जाने कि धन का योग है, तो चलिए जानते हैं। कुंडली में लग्न द्वितीय, पंचम, नवम और एकादशा भाव धन का भाव माना जाता है। अगर कुंडली में इन भावों के स्वामियों में युति दृष्टि या परिवर्तन संबंध बनता है, तो इस संबंध को ज्योतिष शास्त्र में धन योग की संज्ञा दी गई है। धन योग का तात्पर्य धन और संपत्ति दोनों से होता है। जितने अधिक धन योग कुंडली में होंगे, धन योग बनाने वाले ग्रह जितनी बली होंगे, उतना ही व्यक्ति धनी तथा कई अचल संपत्तियों का मालिक बनेगा। तो कैसे आपको कुंडली देखनी है? आपको अपनी कुंडली में लग्न देखना है, द्वितीय देखना है, द्वितीय जो ग्रह घर होता है वो देखना है, पंचम घर देखना है, नवम घर देखना है, एकादश यानी ग्यारहवा घर आपको देखना है। ये भाव धन के होते हैं। और जब इन घरों पर आपको जो स्वामी हैं उनकी दृष्टि या परिवर्तन संबंध बनता है, तो इस संबंध को ज्योतिष शास्त्र में धन योग की संज्ञा दी गई है। तो जब भी आप कुंडली दिखाते हैं, किसी भी अच्छे पंडित को आप दिखाइए कि जिससे अगर आपका कोई कहते हैं ना, कोई अगर आपका ग्रह बलहीन है, तो वो उसकी आपको पूजा बताएगा, आपको उपाय बताएगा। तो आपकी सारी चीज़ें, अगर आपकी कुंडली में धन योग है, तो वो सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। आप संपत्ति के मालिक बनेंगे, अचल संपत्ति के मालिक बनेंगे, चल संपत्ति के मालिक बनेंगे। ये दोनों ही चीज़ें धन योग को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।